उस अमानत की है कि जो तुम बाहम एक दूसरे के पास चीजें रखते हो। तो हम और आप बिलखसूस चूंकि उनका ताल्लुक बंदों से हो जाता है, लिहाजा उन चीजों के ताल्लुक से बहुत ही मोहतात रहें, बहुत ही होशियार रहें कि अगर अल्लाह ने हमारे अल्लाह ने किसी को ये हिदायत दी कि उसने हमको अमीन समझ करके, हमें वफादार समझ करके, हमें जो है दयानतदार समझ करके हम पर भरोसा किया और कोई चीज हमारे हवाले की, अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान, तो उसके एतमाद को कत्ल ना करें, बल्कि जब उनका आपसे हुक्म हो कि हमें हमारी चीज लौटा दी जाए तो आप मिन वहां उस चीज को जो है लौटा दें। इसी तरह से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक असर मिलता है, ला तंतज़िरु इला सलाति अहदी वला इला सियामि वलाकिन उन्ज़ुरु इज़ा हद्दथ सदका वा इज़ा तुमिन अद्दा। मुत्तफ़क़ अलैहि उमर के अंदर ये उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का असर मौजूद है, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 145 पर। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि किसी शख्स को अगर जांचना है, उसकी अमानतदारी और दयानतदारी को, उसकी नेक नियति को अगर देखना है, तो उसकी नमाज को मत देखो, उसकी उसके रोजों को ना देखो, बल्कि देखो ये कि जब वो शख्स बात करता है तो सच्ची बात करता है, साफ सुथरी बात करता है कि नहीं, झूठ तो नहीं बोलता, दगा तो नहीं, दगादारी की बातें तो नहीं करता। फरमाया वइदा तुमिना अद्दा, और जब उसके पास कोई चीज रखी जाती है, कोई अमानत उसके हवाले उसके सुपुर्द की जाती है, अद्दा, तो उसको लौटाता है कि उसको मिनवा जो है साहिब माल के पास उसको वापस कर देता है कि नहीं, जिस चीज जिसकी वो चीज है, जिसकी वो मिल्कियत है उसके पास, उस चीज को जो है वापस कर देता है कि नहीं। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु इसी तरीके से नबी कायना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है आपने फरमान समाप्त किए, और जिनसे इस बात का सबूत हमें वादे तौर पर हो जाता है कि इस्लाम ने अमानत के ताल्लुक से बहुत ही वाजे और साफ अल्फाज में हुक्म दिया है कि हमको और आपको किस कदर जो है इस सिलसिले में जो है एहतियात बरतना चाहिए कि दूसरों की चीजों के अंदर, दूसरे के माल के ताल्लुक से किसी भी तरह से कोई उसके अंदर तारुज ना हो, उसके अंदर कोई छेड़खानी ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस इस सिलसिले में समाप्त फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, इज़ा ज़ुय्यतिल अमानतु फंतज़िर साहिब, जब अमानतें जाये कर दी जाए तो फिर इंतजार करो कयामत का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई एक अलामतें कुर्बे कयामत के हवाले से जिक्र फरमाई, उसी में से एक जो है अहम अलामत जिक्र फरमाई कि कुर्बे कयामत की अलामतों में से एक अलामत है अमानतों को जाये होना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अमानतें जाये हो जाए तो तुम इंतजार करो कयामत का। पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमानत के जाये होने का मतलब क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा वुसिदल अम्रु इदा गैर अहल, कि जब मामला अम्र से जो है मतलब यहां पर है हुक्म यानी हुकूमत, ओहदेदारी, मनासिब जब ना अहल लोगों के हवाले कर दिए जाए तो ये है अमानत के जाये होने का मतलब। लिहाजा हमको और आपको चाहिए कि अमानत के हवाले से हम बहुत ही मोहतात रहें, किसी भी सूरत में हमसे ये गलती ना होने पाए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमा दिया, आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि ऐसे शख्स की ना नमाज का कोई फायदा है, ना रोजों का फायदा है, ना किसी दीगर इबादत का कोई फायदा है कि जो अमानत में खयानतदारी करता हो। और इसी सिलसिले में हमें यहां तक एहतियात करनी चाहिए कि अगर हमसे कोई मशवरा तलब कर रहा है कोई शख्स किसी भी हवाले से, तो हमें अगर हम अपने आप को अहल पाते हैं, हम उसमें मशवरा दे सकते हैं तो अच्छा मशवरा दें, सिर्फ सरसरी बात करके ना निकल जाए, या इसी तरीके से हमने देखा कि अच्छा मौका है नुकसान पहुंचाने का तो उसको जो है गुमराह ना कर दिया जाए या दूसरा गलत रास्ता उसको ना दिखा दिया जाए, बल्कि हर मुमकिन कोशिश, या तो आप हाथ उठा लीजिए कि भाई इस सिलसिले में मैं अहल नहीं हूं, मैं मशवरा नहीं दे सकता, मुझे अंदाजा मुझे तजुर्बा नहीं है, लेकिन अगर आप मशवरा दे रहे हैं तो अपनी हर अपनी बसात के मुताबिक सही मशवरा देने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत फातिमा बिन्त कैस रजी अल्लाह तआला एक मरतबा आई और बहुत मशहूर वाकया है, और उन्होंने जिक्र किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा ही तलब किया कि या रसूल अल्लाह,
मुझे दो लोगों ने जो है पैगाम निकाह भेजा है, एक अबू जहम दूसरे मुआविया रजी अल्लाह तआला, आपका क्या मशवरा है? मैं आपसे मशवरा चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस सिलसिले में, अम्मा अबू जहम फजरा ला यज़ा अलअसारु अन उरुदिहि व अम्मा मुआविया फसुअलुहु ला मालहु। मुस्लिम अहमद के अंदर ये रिवायत आई हुई है, बहुत मारूफ और सही दर्जे की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो दो अल्फाज में फरमाया कि रहा अबू जहम तो वो एक ऐसा शख्स है जो बहुत ही सख्त मिजाज है, मारता है और वो अपने कंधे से कभी लाठी को नहीं उतारता। मतलब ये कि एक तरह से वो सख्त जो है मिजाज का इंसान है, जो कि मुमकिन है जो है सब सख्ती सुस्ती करे तुम्हारे साथ, तुम उनसे अगर निकाह कर लेती हो। बाज़ाब्ते ये ताबीर इस्तेमाल फरमाई कि फजल का ये बहुत मारने वाला है, ला यसावासा ही वो अपनी लाठी को अपने कंधे से कभी नहीं उतारता। और मुआविया के ताल्लुक से क्या फरमाया, मुआविया रजी अल्लाह तआला बहुत मशहूर सहाबी, फरमाया मुआविया मुआविया उसके पास जो है कोई माल नहीं उस वक्त उनकी पोजीशन, वरना तो बाद में चल करके तो गवर्नर बन गए थे और कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में जो है लोगों के ओहदों और मनासिब को नहीं देखा जाता, लोगों की प्रॉपर्टी को नहीं देखा जाता था। जो आम तौर से आजकल वही सरबराह बनते हैं, वही हुक्मरान बनते हैं, वही अहम ओहदों पर पहुंचते हैं, जिनके यहाँ पहले से अमीरी का शजर लगा होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में बिलाशुबा चूंकि मीजान ही ये रखा गया है टैलेंट सलाहियत, लिहाजा मुआविया के ताल्लुक से बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया वाह मुआविया रहा मुआविया, तो वो जो है माल उनके पास नहीं है, वो बहुत ही नादार इंसान है, बहुत ही गरीब है, फसुअलुहु ला मालहु उसके पास कोई माल नहीं, चूंकि शादी कर रही है तो जाहिर सी बात है वहां अखराजात की भी और दीगर चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इशारा कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों रिश्तों के हवाले से कि यहाँ बेहतर और मुनासिब नहीं है। एक तीसरे शख्स का नाम लिया ज़ैद इब्ने साबित रज़ी अल्लाह तआला होगा, फातिमा बिन्त क़ैस रज़ी अल्लाह तआला ने चुनाचे उनसे निकाह किया और जिक्र फरमाती हैं कि उसके बाद अल्लाह ने मेरी जिंदगी के अंदर जो अमन दिया, जो सुकून दिया, जो खैर और बरकत दी, मैं उसका तज़किरा नहीं करता। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे को तस्लीम किया उन्होंने फातिमा बिन्त क़ैस ने, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खूब नवाजा उनको। तो अमानत के हवाले से बात यह है कि हमें हर सूरत में हर पहलुओं पर जो है बहुत ही मुहतात रहना है। मशवरा अगर हमसे तलब किया जा रहा है तो मशवरे के अंदर भी दयानतदारी का पासों में हाथ रखना है, नेक नियति पर मबनी जो है पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ जो है अच्छा मशवरा दे रहा है। हमारे असलाफ का इस सिलसिले में तर्ज अमल क्या रहा है अमानतदारी के हवाले से, इस सिलसिले में एक वाकया है मक्का मुकर्रमा के एक शख्स यूसुफ नामी शख्स का, जिसे इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने अपनी किताब उसरत अहमद के अंदर जिक्र किया है। ये ताबिई हैं, यूसुफ नाम के जो शख्स हैं जिनका वाकया जिक्र किया है इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ने, इनके हवाले से जिक्र किया है कि ये खुद अपना वाकया जिक्र करते हैं कि एक शख्स ने मुझसे 1000 दिरहम कर्ज ली। कर्ज तो उन्होंने ले लिए, लेकिन लेने के बाद में उनके जो हालात थे, उनके जो उनका जो अखलाक था, उससे मुझे ये बात पक्की हो गई कि ये देने वाला नहीं है। उसके बाद में हुआ ऐसा कि किसी शख्स के जरिए से जिसको मैंने कर्ज दिया था उसके 1000 दिरहम मुझे मिले कि मैं उनको लौटा दूं। जिसको मैंने कर्ज दिया है उसके 1000 दिरहम किसी शख्स ने उनके हवाले किए, यूसुफ के हवाले के, भाई ये फला शख्स के 1000 दिरहम मेरे जिम्मे हैं, आप इनको जो है उन्हें पहुंचा दें। तो जाहिर सी बात है इनके पास एक तरह से उस शख्स की अमानत बन गई है। चुनांचे मैंने ये ख्याल किया अपने दिल के अंदर, चूंकि मेरे 1000 दिरहम उनके जिम्मे हैं तो क्यों ना मैं इनको अपने पास ही रखूं। लेकिन दिल के अंदर एक आग लगी हुई थी और बेचैनी थी कि कहीं मेरा ये अमल जो है सही भी है कि नहीं, मैं मशवरा ले लूं। चुनांचे एक अहम आलिम से उसने मशवरा लिया और उसने उनको जो मशवरा दिया उसके तहत उन्होंने हुक्म दिया, अतिल अमानत इला मन तमनका वला तखुन मन खानका, अमानत को लौटा दो उसके पास जिसने तुमको अमीन बनाया है। और तुम चूंकि वो शख्स जिसने पहले शख्स के 1000 दिरहम इनके जिम्मे रखे थे तो अपने पास रखने के लिए नहीं दिए थे, बल्कि उसने ये कह करके दिए थे कि तुम इन 1000 दिरहम को उनके पास फला के पास वापस कर देना।
तो जिसने तुमको अमीन बनाया है उन 1000 दिरहम को जो है वापस उनके पास लौटा दो, जो कि उनका मालिक है, और जो तुम्हारे साथ खयानत कर रहा है तुम उनके साथ खयानत ना करो। आज हम और आप जरा इस आईने में रहकर अपने सामने इस आईने को रख करके अपने चेहरे को देखें। उमूमन हम तो फौरन यही फैसला कर लेते हैं कि अच्छा मौका हाथ लगा है, बहुत जो है मौका गनीमत हमें मिला है, लिहाजा सबसे पहले अपना भाव ताव करने लगते हैं और अपना मामला पूरा करने लगते हैं कि जो है हमारा मामला बराबर हो गए। और इसी तरीके से एक और मुहद्दिस कबीर है, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, बहुत बड़ा नाम है, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मुहद्दिस है। इनके वालिद मुबारक अपने वक्त के ये भी एक बुजुर्ग शख्स थे, इनको एक मुसलमान रईस ने अपने बाप का जो है जिम्मेदार बनाया कि इसकी देख रेख करो, इनके पेड़ों को पानी दो, पेड़ों को जो सींचा करो और उनकी हर तरह से देख रेख करनी। उस कुछ वक्त के बाद में जब जो है पेड़ इस लायक हो गए कि वो फल लाने लगे, तो अपने बाप का फल खाने के लिए वो उस रईस का, उस मुसलमान रईस का आना हुआ और उसे कहा कि भाई आम का जो है ये बाग था कि मीठे जो है आम तोड़ करके ला। चुनांचे वो चंद दरख्तों से उनके हुक्म को बजा लाने के लिए चंद दरख्तों से कुछ आम जो है चुन करके ले आए और उनके सामने रखे। उसमें कुछ जो है खट्टे निकले, कुछ जो है कड़वे कसीले, कुछ इस तरीके के निकले, हर तरह के मतलब एक तरह से निकले। तो कहा कि क्या तुम्हें इतना भी होश नहीं, मैंने कहा कि मीठे आम लाओ और तुम जो है बगैर लिहाज किए हुए जैसे तुम्हें मिले वो वैसे ला करके रख दिए। उन्होंने कहा कि आका तुमने मुझे हुक्म दिया था कि आम ले आओ, मीठे आम ले आओ, लेकिन मैं तो मीठा तो तब जानू जब मैंने इनमें से किसी पेड़ के आमों को चखा हो, मुझे नहीं पता कि किसके मीठे हैं, किसके खट्टे हैं और किस तरह से उनका जो है जायका है। मैंने तुम्हारे हुक्म को बजा लाया और तुम्हारे सामने रख दिया। कहा कि अभी यानी उनको तअज्जुब हुआ, उन्होंने बार बार इसरार किया इस बात पर कि अभी तक तुमने किसी पेड़ के जो है आमों को नहीं चखा। कहा कि हाँ नहीं चखा। ये मुसलमान रईस बड़ा मुतअस्सिर हुआ इस शख्स से कि ये निगहबानी करता है, रात दिन खिदमत करता है, पेड़ पौधों को जो है पानी देता है, हर तरह से उसकी हिफाजत कर रहा है, जो मैंने हुक्म दिया इसको पूरा कर रहा है, लेकिन अभी तक इनको यही पता नहीं है, इनको इन्होंने चक्कर के एक आम को, एक दाने को नहीं देखा है। ये इनके अखलाक से बहुत मुतासिर हुआ और अपनी बीवी से मशवरा कर किया इनको कुछ इनाम देने के लिए। चुनांचे इनाम अपने बीवी से मशवरा ही किया इनाम देने के हवाले से कि क्यों ना ऐसे आला अखलाक के शख्स से अपनी बच्ची का रिश्ता कर दे। चुनांचे उनसे अपनी बच्ची का, अपनी बेटी का रिश्ता किया और उसमें उनके लिए हदीये के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर वो बाग ही जो है उनको उनको हदिया कर दिया। तो ये अमानत के हवाले से जो है हमारा और आपका भी नया होना चाहिए कि जिसने हमारे पास कोई चीज रखी है, जितना उसके अंदर हमें इजाजत दी है, जितना हमें अलाउ किया है, हम उसी हद पर जो है सीमित रहे, उससे आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। अगर आगे बढ़ने की कोशिश की गई तो फिर अमानत में खयानत का जो वबाल है, जो सजा है, जो अजाब है, वो भी सुन ली। कुरान करीम की आयत है इस सिलसिले में, وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ। سورہ آل عمران آیت نمبر 161 ہے کہ جس شخص نے خیانت کی, جس شخص نے امانت کے اندر خیانت کی, تو وہ چیز جو اس نے خیانت کے طور پر لی تھی, جو اس نے غبن کیا تھا, روز قیامت اس کو لے کر کے حاضر ہوگا اور پھر ہر شخص کو اس کے خیانت کے حساب سے اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, ان کو سزا دی جائے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور وہاں پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے, مشہور واقعہ ہے غزوہ خیبر کے موقع سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار غلام نے خیبر کے مال سے ایک چادر چرائی۔ اس کے بعد میں ایک موقع سے ہوا یہ ہے کہ وہ غلام لڑتے ہوئے دشمن سے جو ہے شہید ہو گیا اور لوگ ان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے جو ان کی شہادت ہوئی اس پر داد دینے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بہادری, ان کی شجاعت کے حوالے سے تذکرہ کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے غلام, آپ کا خدمت گزار جو ہے اس قدر جو ہے آج لڑا ہے, ان کے تو مقام کا کیا کہنا, ان کے تو مرتبے کا کیا کہنا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کلا والذی نفسی بیدی ان الشملۃ التی اخذها اصابها یوم خیبر من الغنائم لم تصبها المقاصد تشتعل علیہ نار. فرمایا کہ ہرگز نہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلا ہرگز نہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, بے شک وہ چادر جو اس نے غزوہ خیبر کے دن اس مال غنیمت سے لے لی تھی جو مال غنیمت ابھی تقسیم نہیں کیا گیا تھا, اس چادر کی وجہ سے اس پر آگ دہک رہی ہے, اس پر آگ بھڑکائی جا رہی ہے. تو ہم اور آپ کون چیزیں ہوتے ہیں؟ یہ کس کا واقعہ ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا, نبی کی خدمت کرنے والے کا واقعہ ہے, صحابی کا واقعہ ہے. اور یہ بات یہ جو پیشین گوئی کی ہے یا خبر دی ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, جس میں ذرہ برابر بھی شک کرنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. لہذا ہم کو اور آپ کو چوکنا ہو جانا چاہیے, بالخصوص حقوق اور عباد کے حوالے سے. سب سے پہلے کہ ہم اس میں کسی طرح کے کوئی کمی اور کوتاہی نہ کریں, اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے حقوق کے حوالے سے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی چیز ہمیں جس شکل میں بھی دے رکھی ہے وہ اللہ کی امانت ہے. لہذا اللہ رب العالمین اپنی ان تمام امانتوں کے حوالے سے, ان تمام انعامات کے حوالے سے, ان تمام نعمتوں کے حوالے سے پرسش کرے گا, پوچھ کرے گا, اور اگر ان میں ہم نے خرد برد کیا, اگر ہم نے خیانت کی ہوگی تو پھر ایسی صورت میں بچوانا بڑا مشکل ہے. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس وقت اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع دیا ہے, یہ زندگی دی ہے, یہ ایام دیے ہیں, تو اس زندگی کو, ان ایام کو اللہ کی رضا کے مطابق اور اس کے نبی کے لائے ہوئے دین کے مطابق جو ہے گزارنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری تعالیٰ ہم سبھی کو قرآن و سنت کی تعلیمات کو جاننے, سمجھنے, ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین امانتوں کو ادا کرنے کی ہر ممکن توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں ہر طرح کی خیانت سے محفوظ فرمائے. آمین. واللہ تعالی الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بذکر الحکیم وصلی اللہ علیہ وسلم.